हेलो एवरीवन, क्या हाल आपका। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कहाँ से चीजें स्टार्ट हुई थी, क्या था रूट कॉज, कौन कौन सी अमेंडमेंट थी, कौन कौन सी जजमेंट थी, वो सब हम डिस्कस करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसके अलावा वो कौन सा फर्स्ट जज था जिसने बेसिक फीचर की बात करी थी, मैं बता दूं केशव नंदा केस नहीं था वो। चेक एंड बैलेंस थ्योरी, उसकी रियल एप्लीकेशन देखने वाले इस लेक्चर में हम। इसके अलावा पार्लियामेंट ने कैसे जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी, वो क्या रीजन था जो फर्स्ट टाइम कन्वेंशन तोड़ी गई, जो अपॉइंटमेंट और सीजीआई होती है जो सीनियोरिटी बेस होती है उसको क्यों तोड़ा गया था। एचआर खन्ना, जो हंसराज खन्ना है, उनका केशव नंदा भारती केस में क्या इंटरेस्टिंग पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले प्रीलिम्स क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे गए हैं और इस लेक्चर से रिलेटेड है। देश आजाद हो चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा चुका था। कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट ने किया, सरकार ने किया, वो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज लेके आए। लेकिन साथ ही साथ एक दिक्कत आ गई, क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है, 19 आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ, उसमें क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। यहाँ पे दिक्कत आई, जैसी लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज लानी शुरू करी तो जो लोग हैं, जो बड़े बड़े जमींदार है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने लग गए। वहां पे जजमेंट अपोजिट आने लगी, कुछ फेवर के आने लगी गवर्नमेंट के, कुछ अगेंस्ट आने लगी। अब यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि लैंड रिफॉर्म पॉलिसी लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो चंक ऑफ लैंड, जो सारा का सारा लगा लो जो हिस्सा था, बहुत बड़े जमींदारों के पास था और उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी था। रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लास, एक तरफ आर्टिकल 46 ऑफ डीपीएसपी क्लियरली कह रहा है द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ पीपल एंड इन पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो इसी के तहत गवर्नमेंट ने क्या किया, एजुकेशन सेक्टर में रिजर्वेशन लाने की कोशिश करी, स्टेट फंडेड। लेकिन यहाँ पे भी एक गवर्नमेंट को एम्बेसमेंट फेस करनी पड़ी, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपाकर दुराइजन केस में। केस याद नहीं करना, लेट मी टेल यू। जस्ट समझाने के पर्पज से मैं आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूँ। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा भाई ये जो आप रिजर्वेशन लाए हो ना, ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, इसलिए इन्होंने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। इसके अलावा भी गवर्नमेंट काफी लॉज पॉलिसीज लेके आती थी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन कर रहे थे। गवर्नमेंट बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि बार बार एक ही चीज का क्लैश हो रहा था, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। यही सारी रीजन है जो फर्स्ट अमेंडमेंट के लिए बने। चलिए ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। क्या क्या चेंजेस लाए गए आर्टिकल 15 में, 19 में, 31 में, 85, 87। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 31A, इसमें क्या था, इसमें स्टेट ने, मतलब गवर्नमेंट ने अपने आप को इतनी इनॉर्मस पावर दे दी कि इन केस अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करते पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो वो इंसान जिसकी वो प्रॉपर्टी ली गई है वो सुप्रीम कोर्ट ना जा सके, या हाई कोर्ट ना जा सके कि वो कहे भाई ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, ये आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है, इसलिए प्रॉपर्टी मेरी ना ली जाए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऐड किया वो था 31B। अब आर्टिकल 31B क्या है, इसके अंडर 9 शेड्यूल ऐड किया गया और 9 शेड्यूल में कोई भी चीज डाल दी गई वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर हो जाएगी। ये एक्चुअली लेके आया गया था क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर ना लैंड रिफॉर्म रिलेटेड लॉ पास कर रहे थे, अब उनको चैलेंज कर दिया जाता था। इस चीज से बचने के लिए इसको क्या किया गया, भाई 9 शेड्यूल ऐड कर देते हैं और जो भी लॉ इसके अंदर आ जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर हो जाएगा। ये था आपका 9 शेड्यूल। आर्टिकल 13 क्लोज 2 एंड आर्टिकल 368, इसको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे आने वाली जजमेंट में इन्हीं के बेसिस पे सारी जजमेंट आएंगी। तो आर्टिकल 13 क्लोज 2 क्या कहता है, भाई स्टेट को कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाना चाहिए जो फंडामेंटल राइट को ले ले या कम कर दे, अगर ऐसा कोई लॉ बनता है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, मतलब खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ आर्टिकल 368 है जो क्या बात करता है भाई कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड कर सकती है, किस कौन कौन से तरीके हैं, ये हम सभी को पता है। तीन है, एक ऑर्डिनरी है, एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला है और एक नॉर्मल वाला है। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, हमारा यहाँ पे बस सिंपल सा पर्पस है कि भाई आर्टिकल 368 क्या बात करता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जा सकता है। रियल गेम यहीं से स्टार्ट होती है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 5 जज बेंच बैठा था, उसके सामने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, एक यूनैनिमस जजमेंट आई, इसीलिए मैंने 5-0 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है एक गुगली फेंकी,
उन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन आया था ये। उन्होंने बोला भाई देखो, पार्लियामेंट के पास ना दो तरह की पावर है, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर, दूसरी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर वो इक्विवेलेंट है हमारे फाउंडिंग फादर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था वो उसके इक्विवेलेंट है, और जो आती है आर्टिकल 368 के अंदर। और जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है वो आती है आर्टिकल 368 के बाहर, जो नॉर्मल हम लॉ पास करते हैं, ओके, ऑर्डिनेंस हो गया, रूल, नोटिफिकेशन, ये सब। अब इन्होंने क्या कहा भाई देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर जिसके अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा सकती है, और वो आर्टिकल 13 क्लोज 2 है जहां पे एक वर्ड लॉ लिखा हुआ है, मैंने जस्ट अभी बताया था ना कि भाई गवर्नमेंट को कोई भी लॉ ऐसा पास नहीं करना चाहिए जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ये है पार्लियामेंट के पास है कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर, जो आर्टिकल 13 क्लोज 2 है जहां पे जो वर्ड लॉ लिखा है वो इसके बाहर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो वर्ड लॉ है उसका किससे लेना देना है, जो नॉर्मल लॉ, ऑर्डिनरी लॉ पास किए जा रहे हैं, रूल, नोटिफिकेशन, वो सब, ओके, जो सिंपल मेजोरिटी से पास किए जाते हैं उसके अंदर तो सिर्फ वही आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो उसके अंदर नहीं आता। तो यहाँ पे क्लियर विनर कौन था, गवर्नमेंट थी। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। ये था इस शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का रिजल्ट। अब इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आती है नेक्स्ट हमारी 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ था, एक तो 9th शेड्यूल के अंदर और सारे लॉज ऐड कर दिए गए थे ताकि उनको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट कर दिया जा सके। दूसरी तरफ आर्टिकल 31A को भी अमेंड किया गया, भाई अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लेती है तो जो कंपनसेशन होगा वो मार्केट वैल्यू पे दिया जाएगा। ये सिंपल सी थी 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1964, यहाँ पे 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया। जो 9th शेड्यूल में कुछ लॉ ऐड किए गए थे जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे, इसी चीज को चैलेंज किया गया, लेकिन दलील थोड़ी सी डिफरेंट थी। क्या थी भाई, क्या देखो जी, जो लैंड सब्जेक्ट आता है ना वो 7th शेड्यूल में आता है और स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो पार्लियामेंट ने इसको कैसे टच कर दिया, टच कर दिया क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है, पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया, लेकिन स्टेट से तो पूछा ही नहीं, क्योंकि आर्टिकल 368 के अंदर एक कंडीशन है एक्स्ट्रा कि भाई अगर फेडरल स्ट्रक्चर को टच किया जाता ना, पहले पार्लियामेंट वो लॉ पास करेगी, उसके बाद इट शुड बी रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट। अगर 20 स्टेट है तो 11 स्टेट अपनी स्टेट लेजिस्लेचर में उसको पास करेंगे, तभी वो लॉ माना जाएगा, ओके। तो सेम ही क्वेश्चन यहाँ पे आया, बस जो पूछने का तरीका था वो डिफरेंट था। साथ ही साथ यहाँ पे शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया को भी चैलेंज किया गया था। जजमेंट की बात करते हैं, 5 जज बेंच बैठा था, 3-2 की जजमेंट आई, 3 ने फेवर में दिया गवर्नमेंट के, 2 अगेंस्ट आए, ओके, मैं इसलिए बता रहा हूं। तो यहाँ पे डिसेंटिंग व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जजमेंट सिंपल सी ये थी, हाँ भाई जो गवर्नमेंट है फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। डिसेंटिंग व्यू की बात करते हैं, जस्टिस मुधोलकर एंड जस्टिस एम हदयतुल्ला, इन्होंने क्या कहा भाई देखो, वर्ल्ड में ना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ना कुछ बेसिक फीचर होते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये उन्होंने बोला था। दोनों ने, दोनों की सेम ही बात थी, बल्कि एक पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी भी दलील रखी गई थी, हमें उसमें नहीं जाना, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूं आपको। दोनों ने एक ही बात बोली कि भाई देखो, कुछ बेसिक फीचर होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1968, बहुत बड़ा धमाका कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें अपनी पुरानी जो रूलिंग थी उसको ओवर रूल कर दिया, शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया को हटा दिया। 11 जज बेंच बैठा था, लेकिन जो जजमेंट आई थी 6-5 की आई थी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट आई थी। हुआ क्या था, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को फिर से चैलेंज किया गया। 1953 का कोई एक्ट था पंजाब में लैंड से रिलेटेड, उसको क्या किया गया था, 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था 1964 में 17th अमेंडमेंट के थ्रू, इसी को चैलेंज किया गया और सेम ही क्वेश्चन रखा गया भाई, क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, क्या फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकती है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी जजमेंट ओवररूल कर दी। उन्होंने कहा भाई देखो, जो पहले हमने बोला था ना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव पावर होती है, ठीक है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही तरह की पावर होती है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर। अब बात करते हैं रीजन की भी, किस बेसिस पे उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर भाई साहब जरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के देखो, आर्टिकल 368 में लिखा क्या है, वहां लिखा है प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर तो लिखा ही नहीं हुआ, तो आपने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, जब आपके पास पावर नहीं है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड भी नहीं कर सकते, सिंपल सा। दूसरा रीजन क्या दिया कि भाई जो फंडामेंटल राइट है ना, उनकी एक ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो
आउट ऑफ रीच है पार्लियामेंट के, आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते। इवन अंडर आर्टिकल 358 एमरजेंसी से रिलेटेड है, उसमें हम सभी को पता है आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर जाता है, सिर्फ एक आर्टिकल आर्टिकल 19, बाकी को टच नहीं किया जा सकता। तो आप कैसे टच कर रहे हो? तो इससे क्या पता चला, इससे एक चीज क्लियर हो गई भी जो गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती, फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती। और जो जजमेंट आई थी 6:5 की आई थी, 5 अभी भी यही कह रहे हैं कि हाँ भाई गवर्नमेंट के पास पावर है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे काम आने वाला है, चेक एंड बैलेंस थ्योरी। अभी थोड़ी देर में आप इसकी रियल एप्लीकेशन देखने वाले हो, लेकिन हम जरा देख ले डेफिनेशन वाइज क्या है। चेक डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस स्टेट दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शैल एक्ट ऑन अदर ऑर्गन इन सच अ वे एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग टोटेलिटेरियन एंड टू प्रॉम्प्ट देम टुवर्ड फुलफिलिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। होता क्या है, पार्लियामेंट कोई लॉ पास करेगी, जुडिशरी उसको नलीफाई कर देगी, फिर पार्लियामेंट कोई और लॉ लेके आएगी ताकि जुडिशियल ने जो जजमेंट दी है जुडिशरी ने उसको नलीफाई कर दे। तो ऐसे चेक एंड बैलेंस चलता रहता है, नहले पे दहला, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ। इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में अब नया करेक्टर आ गया इस पिक्चर में, वो कौन थे, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने कुछ लॉ ऑलरेडी पास किए थे, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, तो इंदिरा गांधी जी बहुत परेशान थी। उन्होंने क्या कहा, भाई चलो अमेंडमेंट लेके आते हैं। जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी वो स्पेशली इसीलिए लेके आए थे ताकि गोलकनाथ की जो रूलिंग थी उसको नलीफाई किया जा सके। अब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी क्या, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, जो टाइटल था ना, जो गोलकनाथ जजमेंट में दलील दी गई थी, रीजन दिया गया था, भाई प्रोसीजर लिखा हुआ प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को चेंज कर दिया और उसकी जगह क्या लिखा भाई, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर देयरफॉर। तो आर्टिकल 368 को ही चेंज कर दिया, ठीक है कर लो जो करना है, दिस इज चेक एंड बैलेंस। इट एडिड आर्टिकल 368 क्लोज 3 विच नाउ रीड एज नथिंग इन द आर्टिकल 13 क्लोज 2 विल इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। साथ ही साथ आर्टिकल 13 को भी चेंज कर दिया, उसमें क्या ऐड किया, विच रीड आर्टिकल 13 क्लोज 4 विच रीड एज नथिंग इन दिस आर्टिकल विल इंक्लूड इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368। लो भाई खत्म ही कर दिया, ठीक है 368 13 ही चेंज कर दिए, कर लो जो करना है। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे किया, इसको क्यों लेके आए थे, आरसी कूपर केस को नलीफाई करने के लिए, क्योंकि ये जो जजमेंट आई थी ये भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आई थी। देख लो चेक एंड बैलेंस, ये होता है चेक एंड बैलेंस। ओके यहाँ पे इन्होंने क्या चेंज किया, आर्टिकल 31 में वहां पे वर्ड कंपनसेशन को चेंज कर दिया अमाउंट से, अब अपनी मर्जी से गवर्नमेंट पैसे देगी जो उन्हें प्रॉपर्टी का रेट लगता है। ओके पहले कंपनसेशन वर्ड था। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया भाई, एक और चीज ऐड कर दी आर्टिकल 31 सी में, इसमें क्लियरली बोला नो लॉ विच सीक्स टू इंप्लीमेंट द सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39 बी एंड सी शैल बी वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट कॉन्फ्रेड बाय आर्टिकल 14 19 एंड 31। इसका क्या मतलब है, इसका सर सिंपल सा ये मतलब है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39 बी और सी है ना, अगर उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम कोई लॉ लेके आ रहे हैं पार्लियामेंट में और वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, 19 के अगेंस्ट है, 31 के अगेंस्ट है, तो भी वो नलीफाई नहीं होंगे। ये सिंपल सी चीज ऐड की गई थी। यहाँ पे हमारा खत्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे केशवानंदा भारती केस और उसके आगे जो जो डेवलपमेंट हुई वो सभी की सभी। ओके इन केस अगर आपको कोई डाउट हो, आप मुझसे पूछे या कुछ एड ऑन करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो, मैं डेफिनेटली अपने आप को रेक्टिफाई करने के लिए तैयार हूँ। सो बाय।